आपका क्या नाम है? प्रियांशी शर्मा। इससे पहले आपका नाम क्या था? इससे पहले मेरा नाम फरीनाज था। आपके पिता का नाम क्या था? नफीस अहमद शेख। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गंगापुर सिटी, राजस्थान। आप अपने गांव का पता बता सकते हैं? गांव प्रॉपर यही गंगापुर सिटी। अच्छा अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि आपने जो इनके साथ दामोदर जी के साथ जो शादी करने का जो प्लान बनाया, ऐसा क्यों बनाया आपने? उसकी वजह मेरी घर की परिस्थितियों के कारण बनाया है, क्योंकि मेरे घर में है ना, जो घर वाले हैं वो वहाँ पर वेश्यावृत्ति का काम चलता है मेरे घर में। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे लड़कियों को क्या है, शादी के अलावा विदेशों तक बेचा जाता है, तो मैंने इनसे हेल्प मांगी थी। और जब इन्होंने हेल्प मांगी तो धीरे धीरे संपर्क बढ़ा, तो उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और हेल्प करने का सबसे बड़ा कारण ये होगा अपन शादी कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने ना इनसे शादी करने की बात कही। अच्छा अच्छा, चलो तो आप ये बताइए कि आपने आर्य में को स्वीकार किया है, हिंदू धर्म में आकर आपने स्वीकार किया है, तो मुझे ये बताएंगे आप, तो आपको इसमें क्या खासियत दिखाई दे, चूंकि आपके यहाँ तो बड़ा एक हमने पढ़ा है, सुना है और देखा है और हो रहा है, बहुत कट्टरवाद है आपके यहाँ वो किया जाता है, क्या वो आपको पसंद था सब ये चीजें जो वहाँ मीट खाते थे मुर्गा? बचपन से क्या है, मैंने वहाँ पे देखा था, बकरा ईद पे बकरे काटना, जीव हत्या होती थी, और लेडीजों की स्थिति ऐसी थी, तलाक पे तलाक, एक कर ली, चार कर ली, बच्चे कितने भी हो गए तो उनको छोड़ देते थे। लेडीजों की वहाँ पे बिल्कुल भी इज्जत नहीं है मुस्लिम संस्कृति में, अब तक मैंने जो देखा है। और उसके अलावा वहाँ जीव हत्या होती है। फिर उसके बाद मैंने जब यहाँ देखा हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म में मैंने देखा कि स्त्रियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, उनको पूजा जाता है, यहाँ पे स्त्रियों का सम्मान होता है, और जीव हत्या जो, तो उसके लिए ना जीवों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन है, मतलब उनको बचाया जाता है, गौ माता की पूजा की जाती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे मुस्लिम संस्कृति में बुरी लगी। और फिर जब मैंने हिंदू धर्म में आके देखा, आर्य समाज से जब मैं जुड़ी, तो उसमें जो वेदना पूजा अर्चना करने का तरीका है वो, और वैदिक धर्म के बारे में मैंने पढ़ा, तो मैंने ये जाना कि एक औरत को भी सम्मान से जिंदगी जीने का अधिकार है। तो जो आपने आर्य संस्कृति की बात की, तो आपके इसमें कौन प्रेरणादायक है इसके? इसके प्रेरणादायक बाबू जी हैं, उनका शुभ नाम है मदन मोहन जी आर्य जी। वाह जी, तो मैं जानना चाहूंगा उन्होंने आपको गायत्री मंत्र भी सिखाया है? जी, उन्होंने उनके जब संपर्क में आई थी, जब मैं बहुत परेशान चल रहे थे हम लोग, तो उन्हीं के पास गए थे, तो उन्होंने मुझे गायत्री मंत्र को जाप करने की ज्ञान दिया, और भी बातें सिखाई, और एक पुस्तक भी दी थी उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, जिससे मैं ना आर्य समाज के बारे में, वैदिक धर्म के बारे में जानूंगी। तो आपने कोई पुस्तक जो दी, सत्या प्रकाश दी? नहीं, दयानंद जी के। अच्छा, दयानंद जी के बारे में।